आज हम बहुत ही टेस्टी कच्चे आम की चटनी बनाने जा रहे हैं और इन्हें बनाना भी बहुत आसान है, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। नमस्ते फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। तो चटनी बनाने के लिए मैं 2 कच्चे आम ले लिए हैं और इन्हें अब छील लेते हैं। तो इन्हें छीलने के लिए कोई पीलर अथवा चाकू से भी छील सकते हैं। तो सबसे पहले इस तरह से चाकू से नीचे का भाग काट लेते हैं और इसे पीलर से छील लेते हैं, इस तरह से देखिए। और इन्हें चाकू से भी आराम से छील सकते हैं। और इस तरह से चाकू से भी छील सकते हैं, देखिए। आपको जिस तरह से सुविधा हो हाथ बचा के छिलिएगा, काटिएगा। अब दूसरे को भी इसी तरह से काट कर छिल लेते हैं। और जब हम लोग छोटे थे तो गांव में ये आम छिलने के लिए सीप को कवर को छेद करके और आम छिलने के लिए बनाते थे और बहुत ही मज़ा आता था आम छिलने के लिए। तो दोनों आम को छिल लिए हैं, अब इन्हें इस तरह से काट लेंगे। यदि इसमें कोसा नहीं आया है तो आप आम को 2 भागों में काट कर और टुकड़े टुकड़े कर सकते हैं, लेकिन कोसा आ जाता है तो काटने में दिक्कत आती है, तो इस तरह से कर लेंगे तो बहुत ही आसानी से कट जाते हैं आम। तो आम काट लिए हैं और ये देखिए, आम के साथ पीसने के लिए 1 प्याज काट लिए हैं और 2 लाल मिर्च लिए हैं, 1 चम्मच सरसों का तेल, 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच नमक लिए हैं। नमक आप अपने स्वाद अनुसार भी ले सकते हैं। हल्दी पाउडर 1/4 छोटी चम्मच और 6-7 करी पत्ता लिए हैं। इससे चटनी में बहुत ही अच्छी फ्लेवर आ जाती है। और इसके जगह धनिया पत्ता भी ले सकते हैं, लेकिन इसकी फ्लेवर कुछ अलग ही आती है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो कोई पेन अथवा तड़का पेन को गर्म कर लेंगे और इसमें तेल को डाल लेते हैं और इन्हें गर्म होने देते हैं। तेल गर्म हो चुका है, इसमें आप डाल लेते हैं जीरा और जीरा को थोड़ी देर चटकने देते हैं। तो जीरा अब चटक चुका है, अब इसमें डाल लेते हैं लाल मिर्च और लाल मिर्च को भी इस तरह से चलाते हुए थोड़ी देर पकने देते हैं। अब इनमें डाल लेते हैं करी पत्ता। अब इसमें डालेंगे प्याज जो हमने काट के रखे हैं। अब इन्हें चलाते हुए थोड़ी देर पका लेते हैं। बस थोड़ी देर पकाएंगे, जस्ट 1/2 मिनट पकाएंगे, जिससे इसका कच्चापन चला जाए। अब ये पक चुके हैं, इसे ज़्यादा हम नहीं पकाएंगे इन्हें। अब इसमें डाल लेते हैं हल्दी पाउडर और एक बार सारी चीज़ों को मिला लेते हैं। जब गर्म चीज़ में अथवा तेल में हम हल्दी पाउडर डालते हैं तो उसका कलर और टेस्ट खिल के आते हैं, और जब ठंडे में डालते हैं तो कड़वापन आ जाते हैं उस चीज़ में। तो अब हम गैस ऑफ कर देते हैं और इन्हें शिफ्ट कर लेते हैं मिक्सी जार में। अब इनमें डाल लेते हैं नमक। नमक आप अपने स्वाद अनुसार डालिएगा और 1 कच्चे आम भी डाल लेते हैं। अब इसमें 2-3 चम्मच पानी डालकर इसका कवर लगाकर बारीक पीस लेंगे। तो लीजिए, बहुत ही टेस्टी आम की चटनी बनकर तैयार है और बनाना भी बहुत आसान है। इन्हें आप किसी भी मनपसंद डिश के साथ सर्व कर सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगती हैं। तो आप इन्हें इस सीजन में बनाइए और अपना अनुभव मेरे साथ शेयर कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी डेली अपडेट आपको मिलती रहे। तो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए रेसिपी के साथ।